कभी सोचा है कि जिंदगी में कोई तो सफल हो जाता है और कोई असफल, जबकि सभी इंसान हैं। कोई सारी विघ्न बाधाओं को पार कर खाक से फलक तक चला जाता है, तो कोई सारी सुविधाएं होते हुए भी कुछ खास नहीं कर पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल सफल और असफल व्यक्ति में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, बस दोनों की शैली और विचारों में अंतर जरूर होता है। सफल व्यक्ति सोचता है कि बस इसे अभी करना है और करके मानता है, जबकि असफल व्यक्ति सोचता है कि इसे करना है परंतु कब और कैसे, इस पर समय बिताता रहता है और उस पल को गंवा देता है, साथ ही साथ उस काम को भी। ऐसा करते करते वो उम्र की दहलीज पर आगे की ओर कदम रखता जाता है और फिर एक समय आता है जब वह अलापता रह जाता है कि अब कहां उम्र रही कुछ करने की। दूसरी तरफ उसके ही सामने कोई व्यक्ति कार्य शुरू करता है और आज सफल होकर उसके समक्ष खड़ा होता है। एक और मजेदार बात होती है सफल और असफल व्यक्ति के बीच। सफल व्यक्ति हर काम को अलग अंदाज से कर ही लेता है, इसलिए उसे कठिन कुछ भी नहीं लगता, बल्कि वो सोचता है नया है, मजा आएगा। जबकि दूसरी तरफ असफल व्यक्ति यही सोचता रह जाता है कि ये कैसे होगा, उसने भी तो शुरू किया था लेकिन हो नहीं पाया था, इसके लिए तो बहुत संसाधन चाहिए, इतने कहां से आएंगे। इस भय से वो कार्य को शुरू ही नहीं कर पाता है। अर्थात सफल व्यक्ति कोई अलग नहीं होता बल्कि पृथक होता है, तो उसका अंदाज और जज्बा। इसलिए यही कहूंगा अंततः कि करते रहिए, चलते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। सब्सक्राइब करें के कृष्णस टीवी चैनल को और हमारे साथ आगे बने रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।